मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। 60,000 परीक्षार्थी लेंगे बोर्ड परीक्षा में हिस्सा। 9 केंद्र अति संवेदनशील और 3 को बनाया गया संवेदनशील। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में जो 99 केंद्र बनाए गए हैं उनमें 12 को अति संवेदनशील और 3 को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। इन केंद्रों में सुरक्षा की विशेष इंतजाम किए जाएंगे। यहां प्रेक्षक भी मौजूद रहेंगे, वीडियोग्राफी भी होगी। सोमवार को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के 76 परीक्षा केंद्रों के लिए गोपनीय सामग्री का वितरण किया गया था। ये सामग्री नज़दीकी थानों और पुलिस चौकियों में रखा दी गई है। वहीं आज शहरी क्षेत्र के 23 केंद्रों के लिए सामग्री मंगलवार को वितरित हो रही है। आपको बता दें कि कक्षा 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी और 10वीं की 18 फरवरी से आयोजित की गई है। सोमवार को जिले की समन्वय संस्था शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तन क्रमांक 1 से परीक्षा की गोपनीय सामग्री का वितरण किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र अध्यक्ष सामग्री लेने के लिए यहां सुबह से ही पहुंचने लगे। केंद्र अध्यक्ष ने एक एक कर सामग्री प्राप्त की। इसके बाद बसों से ये सामग्री कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना की गई है। आपको बता दें कि सोमवार को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो सामग्री वितरित की गई है वो 19 थाने और 10 पुलिस चौकियों में सुरक्षार्थ रखा दी गई है। प्रस्तुत रीवा से प्रखर गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट। देवालय में चोरों का ढाबा, सोने आवास में नकदी सहित लाखों रुपए कीमती सोने चांदी के जेवर ले उड़े बदमाश। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत जेपी मोड़ के पास देवालय कॉलोनी में करीब तकरीबन 10 लाख की चोरी हुई है। एक रिटायर कर्मचारी के जीवन भर की संपत्ति बदमाशों ने चोरी कर ली। बताया जाता है कि सोना चांदी सहित करीब तकरीबन 30,000 नकदी बदमाश चोरी कर ले गए हैं। जिस वक्त घटना घटित हुई है उस समय घर पर कोई नहीं था। बुजुर्ग दंपत्ति इलाज के लिए नागपुर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने घर पर हाथ साफ कर दिया। मौके पर सिविल लाइन पुलिस पहुंची है और जांच शुरू कर दी गई है। चोरी का शिकार भूपेन चतुर्वेदी का परिवार हुआ है, जिनके घर बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बताया गया है कि 13 फरवरी को वह नागपुर के लिए गए हुए थे। जब 15 फरवरी की रात को वह घर पहुंचे तो बाहर से दरवाजा टूटा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने कॉलोनी के मैनेजर एवं सुरक्षा कर्मी को बुलाया। इसके साथ ही पुलिस को भी सूचना दी गई। फिलहाल पीड़ित परिवार इस घटना से सदमे में है। पुलिस जांच कर कार्रवाई कर रही है। आइए सुनते हैं पीड़ित और पुलिस का इस संबंध में क्या है कहना। घटना हुई आपके घर में, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर? हम लोग तो यही के रहने वाले हैं, रीवा जो गांव लपटा है, लेकिन यहाँ 2-3 साल से रह रहे हैं। निजी मकान है अपना, इसी में रह रहे हैं। तबीयत खराब थी हमारी और मिसेस की, तो नागपुर लेके गए थे जी। क्या घटना हुई, किस प्रकार से चोरी हुई आपके घर में, कैसे जानकारी मिली आपको? अब जब लौट के आए सर तो देखे ताला टूटा हुआ है। फिर यहाँ के गेट कीपर और मैनेजर साहब बुलाए तो वो लोग भी आए, फिर सबके सामने दिखवाए तो गहना वहना सब गए। कितने दिन से आप घर में नहीं थे? 13 तारीख को गए थे, अब 15 तारीख को मान लीजिए आ गए 2:30 बजे। सामान कितने का गया, क्या है? लगभग 10 के आसपास। गहना और 1.5 किलो लगभग चार। नगद कुछ? 30,000 रुपए नगद। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार चतुर्वेदी। पदस्थ थे आप कहीं पर? पहले हम 2014 में रिटायर हो गए। किस डिपार्टमेंट में थे? चीफ फार्मासिस्ट के हॉस्पिटल डिपार्टमेंट। इस प्रकार से यहाँ पे चोरी घटना हुई है, क्या है? मैं भूपेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी हैं, जो रिटायर हैं, वो 2014 में हुए थे। ये शेडवल में रहते थे, रिटायरमेंट के बाद यहाँ शिफ्ट हुए हैं इस कॉलोनी में। तो एक्चुअली 13 तारीख को चले गए थे नागपुर दवा कराने, मिसेज को लेकर के। इनके अलावा और घर में अन्य कोई व्यक्ति नहीं रहता। तो ये आज ही रात को लौटे 2:30 बजे 3 बजे। दवा करने के तो घर का ताला टूटा था। सूचना दी, सूचना पर हम लोग आए, अपने डाक स्क्वाड को बुलाया गया और फिंगरप्रिंट वगैरह अधिकारी सब लगे अपने अपने काम में। और अज्ञात आरोपी हैं, CCTV फुटेज लगे हैं अगल बगल, उनको चेक किया गया। वो तो 3 आदमी दिख रहे हैं जिसमें नकाब है, मास्क लगा है, स्पष्ट चेहरा नहीं आ रहा। और भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि ट्रेस हो जाए। भ्रष्टाचार के आरोप में बैंक मैनेजर एवं सहायक को न्यायालय ने सुनाई 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा। 7 साल पहले लोकायुक्त पुलिस ने किया था ट्रैप।
आपको बता दें कि 7 साल पहले लोकायुक्त पुलिस द्वारा 4000 की रिश्वत लेते पकड़े गए बैंक मैनेजर सहित 2 आरोपियों को न्यायालय ने 4 वर्ष के सश्रम कारावास व 8000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत राशि लेकर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत पर 18 फरवरी 2015 को लोकायुक्त पुलिस ने मध्यांचल ग्रामीण बैंक रायपुर कचलियान के शाखा प्रबंधक अशोक कुमार पांडे एवं दैनिक वेतन भोगी संतोष कुमार कुशवाहा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। शिवशरण शुक्ला की शिकायत पर हुई इस कार्रवाई का प्रकरण न्यायालय में चल रहा था, जिसमें सोमवार को विशेष न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रस्तुत है लोक अभियोजक मीडिया प्रभारी सचिन द्विवेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये अशोक पांडे थे, मध्यांचल ग्रामीण बैंक रायपुर कचलियान में मैनेजर थे और संतोष कुशवाहा वहाँ पर अंश ग्लोबल कंपनी की तरफ से नियुक्त किए गए थे बैंक में डेली वेजर के तौर पर काम करने के लिए। शिवशरण शुक्ले जोगनहाई के थे, तो शिवशरण शुक्ले ने मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन दिया था, वो आवेदन जनपद से होते हुए बैंक तक पहुँचा था। अब जो नियमावली थी लोन पास करने की, उसके हिसाब से बैंक पहुंचने के भीतर 15 दिन के भीतर उस लोन को सैंक्शन कर देना था, पर इन अशोक पांडे ने उसको लगभग 3 महीने तक अपने ऑफिस में विथहेल्ड रखा और जब उसको पास भी कर दिया 1/12/2015 को, उसके बावजूद जो शिवशरण था उसको जानकारी नहीं दे रहे थे कि तुम्हारा बैंक लोन पास हो गया। वो जब भी उनके पास जाता था तो कहते थे अभी फील्ड इंस्पेक्शन करने आना है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तरह तरह के बहाने बताते थे। और फिर मैनेजर ने कहा कि संतोष कुशवाहा से मिल लो, संतोष कुशवाहा ने शिकायतकर्ता से 5000 रुपये रिश्वत की मांग की, 5000 दो तो मैं तुम्हारा लोन करवा दूंगा। इसकी शिकायत शिवशरण ने लोकायुक्त एसपी साहब को की, उन्होंने सत्यापन कराया शिकायत का और ट्रैप आयोजित किया गया। तो ट्रैप के दिन संतोष कुशवाहा ने 4000 रुपये इससे शिवशरण से जैसे ही लिए तो टीम ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। माननीय विशेष न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित जी के यहाँ इस मामले का विचारण चला, जिसमें अभियोजन की ओर से सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और तर्क प्रस्तुत किया गया। उन तर्कों से सहमत होकर माननीय विशेष न्यायालय ने अशोक पांडे और संतोष कुशवाहा को PC Act की धारा 7 और धारा 13 के तहत दोषी पाया और धारा 7 के तहत 3 साल का कारावास, धारा 13 के तहत 4 साल के कारावास से दंडित कर दिया। कहाँ पे पदस्थ बैंक मैनेजर? ये है मूलतः UP प्रतापगढ़ के अशोक पांडे, यहाँ मध्यांचल ग्रामीण बैंक रायपुर करचुलियान में पदस्थ। वैलेंटाइन डे पर प्यार में धोखा, 16 वर्षीय किशोरी बन गई प्रेमी के हाथों हवस का शिकार। आपको बता दें कि वैलेंटाइन डे पर एक किशोरी को बहला फुसला कर ले जाकर युवक ने उसके साथ दुष्कृत किया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। सिमरिया थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को आरोपी निवासी सिमरिया ने झांसा देकर बुलाया था। उसके नापाक इरादों से बेखबर पीड़िता जब पहुंची तो आरोपी ने किशोरी को हवस का शिकार बना डाला। ये भी बताया जा रहा है कि हवस का शिकार हुई किशोरी एवं आरोपी के बीच पहले से भी पहचान थी। वैलेंटाइन डे पर किशोरी से संपर्क कर युवक ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। युवक के द्वारा मिले धोखे के बाद किशोरी ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी तो रात में उसे लेकर थाने पहुंचे। किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। बुधवार को पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भिजवा दिया था। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही पूरा मामला सामने आएगा। प्रस्तुत है एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये सिमरिया में एक 16 साल की लड़की थी और 19 साल का एक लड़का है, जो उसको पहले भी उसके साथ कुछ गलत काम किया, लेकिन उसने शायद उस समय रिपोर्ट नहीं थी किसी कारणवश। अभी कल सुबह सुबह फिर वो उसको लेके गया था और तो इसमें प्रकरण पुलिस के द्वारा कायम किया गया जानकारी मिलने पर, और उसके बाद बच्ची ने आगे रिपोर्ट की कि उसने मेरे साथ गलत काम किया, तो उसमें उस तरह की धाराएं भी बढ़ाई गई थी और पुलिस के द्वारा बच्ची का मेडिकल वगैरह सब करा दिया गया। आवश्यक कार्रवाई महिला अधिकारी की उपस्थिति में की जा रही है, साथ ही पुलिस ने आरोपी को भी राउंड अप कर लिया और उसका भी मेडिकल परीक्षण करा के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये आरोपी सिमरिया का है और फरियादिया भी सिमरिया की रहने वाली। सर, बच्ची लड़की जो थी उसके संपर्क में पहले से किया ऐसा? हाँ, पहले से जानकारी में आया है कि पहले भी उसके द्वारा ऐसी हरकत की गई है।
रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र से एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसकी सीधी जंगल में रेप कर उसको जहर देकर मार दिया गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता की मौत की खबर लगने के बाद इस घटना में शामिल एक आरोपी ने भी जहर खाकर इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि सीधी के बहरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, जहां दो लोगों ने मिलकर पहले तो नाबालिग का रीवा जिले के हनुमाना से उसका अपहरण किया, फिर उसे सीधी के जंगल में ले जाकर उसके साथ दो दिन तक दुष्कर्म किया। जब नाबालिग ने पुलिस थाने में शिकायत करने की धमकी दी तो दरिंदों ने उसे जहर पिला दिया। इसके बाद दरिंदों के एक साथी ने नाबालिग को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। 16 वर्षीय नाबालिग 28 जनवरी को अपनी बुआ के घर हनुमाना थाना क्षेत्र में आई हुई थी, जहां 11 फरवरी को सबको भोजन खिलाने के बाद दोपहर को वह दुकान में एक बिस्किट लेने गई थी, जहां से हनुमाना की तरफ आ रहे एक बिना नंबर की जीप में दो लोगों ने उसका अपहरण कर लिया, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने हनुमाना थाने में दर्ज कराई थी। पीड़िता ने मृत्यु से पूर्व अपने पिता को अपने आप बीती और आरोपियों के नाम बताया थे। पीड़िता ने पिता को बताया कि उसने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी तो उसे जहर पिला दिया गया। जहर पिलाने के बाद आरोपियों ने उसे अपने वाहन चालक के द्वारा पीड़िता को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां जिला अस्पताल में लाकर उसको छोड़ दिया गया, जहां पीड़िता खुद जाकर डॉक्टरों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान 14 फरवरी को उसकी मौत हो गई। फिलहाल रीवा और सीधी जिले की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस घटना में शामिल आरोपी रीवा के ही बताए जा रहे हैं। पीड़िता की मौत के बाद इस मामले में एक नया मोड़ भी आया गया है और घटना में शामिल एक आरोपी ने शर्मिंदगी और पुलिस के डर की वजह से जहर का सेवन कर लिया है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। प्रस्तुत है एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। इसमें एक लड़की थी 16 वर्ष की। ये लड़की 12 तारीख को थाने पे इसके परिजनों के द्वारा रिपोर्ट कराई गई थी, तो 363 दर्ज किया गया था पुलिस के द्वारा, क्योंकि बच्ची नाबालिग थी। एक लड़की के ऊपर इन्होंने संदेह व्यक्त किया था। उस लड़के के बारे में पुलिस के द्वारा पतासाजी की गई। पतासाजी के दौरान उसका जो भी तकनीकी सहयोग लिया जाता पुलिस के द्वारा वो लिया गया, और फिर जानकारी लगी कि सीधी तरफ लोकेशन आ रहा, फोन तो बंद आ रहा था लगातार। तो इसके बाद पुलिस को ये जानकारी लगी कि कल उस जो लड़की थी उसने जहर खा लिया था और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। उस बात को सुन के आज जो संदिग्ध लड़का था, जो हमारा 363 का आरोपी भी था, उसके बारे में पता लगा कि आज उसने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई है। पुलिस जो है वैधानिक कार्रवाई कर रही है। सीधी की पुलिस से हम लोग लगातार संपर्क में है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पत्नी ने अपने माँ एवं भाई के साथ मिलकर पति की कर दी पिटाई। आहत पति ने जहर खाकर कर ली आत्महत्या, परिजनों ने लगाया आरोप। आपको बता दें कि रीवा के चोरेटा थाना क्षेत्र में एक पति अपने पत्नी को बुलाने ससुराल गया हुआ था, जहां उसकी पत्नी ने अपने घर वालों के साथ मिलकर पति की पिटाई कर दी। ससुराल में हुई मारपीट से आहत पति ने आत्मघाती कदम उठाते हुए जहर निगल लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मृतक के परिजनों ने उसके पत्नी एवं ससुराल वालों के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरी घटना को लेकर मृतक रोहित शुक्ला निवासी भुलगढ़ के चाचा पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि रोहित की पत्नी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने ससुराल गई हुई थी। अपनी पत्नी को बुलाने दो दिन पूर्व रोहित वहां गया तो पत्नी आने को तैयार नहीं थी। मृतक के चाचा का कहना है कि रोहित ने मरने से पहले अपने घर वालों से बात की है। रोहित ने बताया कि उसके साथ उसकी पत्नी, उसका भाई एवं माँ ने मिलकर मारपीट की, जिसके कारण वह जहर खाकर आत्महत्या कर रहा है। जैसे ही इस बात की जानकारी परिजनों को हुई तो आनंद फानंद में रोहित को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। इस बात को लेकर अस्पताल में दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर मारपीट हुई, जिसमें मृतक के चाचा को गंभीर चोटें भी आई हैं। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर पुलिस के द्वारा परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं, मामले की जांच की जा रही है। प्रस्तुत है परिजनों सहित एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। पवन कुमार शुक्ला, ये जो मृतक है जो खत्म हो गई, कौन है? हमारे भतीजे हैं साहब। हाँ, ये बताए कि हम ससुराल गए थे, वहाँ पत्नी को बोले कि घर चलो, तो सब लोग हमको मिल के मारे हैं, इसलिए हम जहर खा लिए। क्यों मारे ये नहीं बताया? बोले कि घर आने के लिए बोल रहे थे कि चलो घर। इनके बीच कभी विवाद चल रहा था क्या, किसी बात को लेकर? विवाद साहब वैसे तो नहीं चल रहा था, पर बीच बीच में इन लोगों का झगड़ा चलता था। इसके पहले भी साहब पूर्व में घर में आके मारपीट इसके साथ किए ये लोग।
ये आपको खत्म होने से पहले बताएगा किसने मारा है, कौन कौन मिलकर मारा है इनके? जी जी जी, कौन कौन मारा था? वो बताया कि हमारी मिसेज पत्नी मारी है, सास और साला और ससुर। कब से अपने घर में रह रही थी पत्नी? ये अभी गई है साहब, उनके यहाँ शादी थी तो अभी 5-6 दिन पहले 10 दिन पहले गई है, 10 दिन पहले। आने के लिए तैयार नहीं थी? आने के लिए तैयार नहीं थी, बोली कि रोज दो रोज बाद चलेंगे, अभी नहीं जाएंगे। उसी को लेके विवाद हुआ इनका। कल रात को आपके साथ भी मारपीट? जी हाँ, ससुराल वाले। कहाँ मारे? यहीं गेट में, हॉस्पिटल गेट में साहब। क्यों मार रहे थे आपको? बोले कि तुम मार डाले हो। जबकि आपके भतीजे बता रहे कि जहर दिया गया? जहर दिया गया, गांव वालों के सामने बोला है साहब। वो कई गांव वाले थे, जब लेके चले हैं अस्पताल के लिए तो सब पूछे कि क्यों खा लिया तुम, तो सबके सामने यही बोला है साहब। सब यहीं हैं जिनके जिनके सामने बोला गया है साहब कि मैं पत्नी के कारण खा लिया जहर, मरे जाए थे। आपका क्या नाम है? पवन कुमार शुक्ला। ये कब खाए थे जहर? कल शाम को साहब, हम घर में भी नहीं थे साहब, खेत में थे हम अपने, तो वहाँ फ़ोन किए गांव वाले, तो फिर हम आए देखे, फिर गाड़ी में लाद के उसको तत्काल हॉस्पिटल लेके आए। चोरेटा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जहर खुरानी का मामला सामने आया, क्या वजह थी कि सही चीज़ सामने आई? हाँ, एक रोहित शुक्ला नाम का लड़का है, करीब 33 वर्ष की उम्र है, वो अपनी पत्नी को अपने ससुराल मतलब जहाँ पत्नी का मायका वहाँ लेने गया हुआ था, और उसके बाद वो वापस जब घर आया तो उसने 14 तारीख को उसने कुछ जहरीला पदार्थ खाया हुआ था, और उसके बाद उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया परिजनों के द्वारा 8 बजे के आसपास, और 9:25 के आसपास उसकी मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा जानकारी मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। परिजनों ने कुछ आरोप भी लगाए? परिजनों का कहना है कि वो ससुराल गया था तो उसकी पत्नी ने, सास ने और उसके साले के द्वारा कुछ मारपीट की गई है, और इस कारण से वो ऐसा उसने जहर खाया, ऐसा परिजनों का कहना है। लिखित में कुछ ऐसा दस्तावेज पुलिस को नहीं मिला है, ना ही अस्पताल में उसका इतना समय था कि उसका DD हो सके, इसलिए पुलिस तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेगी। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।